अहम पॉलिसी हमने पिछले 3 महीनों में हमने दिन रात मेहनत करके इसको फाइनलाइज करके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भेज दिया है, अभी इंशाल्लाह कैबिनेट में आएगी। मकसद ये था कि हेम्प की जो काश्त है और उससे जो बनने वाले प्रोडक्ट्स हैं, ख़ास तौर पर मेडिसिन साइड पे और एग्रीकल्चर साइड पे, एक बहुत बड़ी मार्केट है इंटरनेशनल की, ओवर 100 बिलियन मार्केट हो जाएगी ये 2026 तक। तो हम उसका हिस्सा बनना चाहते हैं और हमने पूरी एक पॉलिसी बनाई है, उसके साथ उसके एक्ट भी बनाया है, उसके रूल्स रेगुलेशन भी काम हो रहा है। और ये चूँकि एक मतलब अक्रॉस मिनिस्ट्रियल मिनिस्ट्रीज में आती हैं, जिसमें के हेल्थ मिनिस्ट्री आती है, जिसमें के कॉमर्स आती है, एग्रीकल्चर आती है और एंटी नारकोटिक्स, और फिर जो है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी उसकी लीड मिनिस्ट्री है। तो इससे जो है तो हमारे मेडिसिन साइड पे भी बहुत, जो हम इंपोर्ट्स भी करते हैं उसमें भी बहुत फ़ायदा होगा, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होगी। और इसी तरह टेक्सटाइल में भी जो हम हेम्प इंपोर्ट करते हैं चाइना से और ममालिक से अपने टेक्सटाइल में, तो वो भी हमारी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी होगी। न सिर्फ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होगी बल्कि हम इंशाल्लाह प्लस में भी इसको लाएंगे, और ये एक बड़ा सेगमेंट है उसका पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स में, ये बड़ा एक अहम किरदार अदा करेगा। इसको हमने इस वजह से कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें कि हम चाहते हैं कि इसके जो भी मिसयूज़ का कोई चांस ना हो, और साथ ही साथ में फैसिलिटेट करे इन्वेस्टर्स को। इसके लिए हमें इतने ज़्यादा इन्वेस्टर्स मिल रहे हैं कि हम तो जो मेरा नहीं ख्याल है कि हम उनको अटेंड कर सकेंगे, और हम इसको इनिशियली 100 लाइसेंसेस देंगे, और फिर इनको इस सारे मामलात को चलाने के लिए हमने एक रेगुलेटरी अथॉरिटी भी बना रहे हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के अम्ब्रेला तले होगी लेकिन टोटली इंडिपेंडेंट होगी, जिसमें कि वन विंडो फैसिलिटी भी दी जाएगी कि जो भी लाइसेंसीज हैं उनके जो मसाइल हैं, और वो पूरे इस सेक्टर को रेगुलेट करें, क्योंकि ये हमारे पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स में और हमारी इकोनॉमी में एक बहुत ही अहम किरदार अदा करेगी।